हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल डिजाइन। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पावर सप्लाई चिप के बारे में। ये एक एलडीओ है। एलडीओ की जो फुल फॉर्म होती है लो ड्रॉपआउट आउटपुट वोल्टेज, और ये टीआई की चिप है। इसका ये पार्ट नंबर है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 5 पिन है। ये इनपुट है, ये एनेबल पिन है। इसको पावर सप्लाई देनी होती है एनेबल डिसएनेबल करने के लिए। अगर इस पर लो होगी तो ये बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी चिप, और अगर इस पर हाई वोल्टेज होगी तो ये ऑन रहेगी। ये ग्राउंड पिन और ये फीडबैक और ये आउटपुट होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें 5 वोल्ट हमारी इनपुट है और इसकी आउटपुट जो है वो 3.3 वोल्ट है। तो ये 5 to 3.3 वोल्ट एलडीओ है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसके इनपुट की, ये इनपुट कैपेसिटर का जो सिलेक्शन होता है वो कुछ तो इसमें रेकमेंडेड होते हैं, लेकिन कुछ हमें ऐड करने होते हैं। कुछ कैपेसिटर वो लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी को देखते हुए, हाई नॉइज को देखते हुए, तो ये कुछ हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर फिल्टर के लिए, कुछ मिड फ्रिक्वेंसी और कुछ पीएफ में, कुछ नैनो में, कुछ माइक्रोफैरड में हम इसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये किया हुआ है मिड फ्रिक्वेंसी के लिए। और इसमें एक और सा कैपेसिटर यूज होना चाहिए था जो पीएफ में, जो 100 पीएफ या 50 पीएफ या 10 पीएफ, जो हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज के लिए होता है। तो अब हम इसकी आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में ये फीडबैक है। इनकी वोल्टेज की एक्यूरेसी देखी जाती है, यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है उसके हिसाब से आउटपुट वोल्टेज आउट होती है। और ये जो वैल्यू और जो ये इनकी टॉलरेंस एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए रेजिस्टेंस की। अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तो आपका फीडबैक पॉइंट ठीक नहीं होगा। तो टॉलरेंस और एक्यूरेसी रेजिस्टेंस की 1% में ली जाती है। और फिर ये आउटपुट कैपेसिटर है। आउटपुट कैपेसिटर जो ये भी सिरेमिक कैपेसिटर है और ये भी सिरेमिक है। तो इनकी भी कुछ कुछ एक दो कैपेसिटर रिकमेंडेड होते हैं, लेकिन कुछ कैपेसिटर हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी रेंज की नॉइज को फिल्टर करने के लिए तो माइक्रोफेराड, नैनो फेराड और पीएफ में कैपेसिटर हम लगाते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर हाई रेजुलेशन या हाई मतलब नॉइज बिल्कुल ही बहुत ही एडोबर मतलब सफर नहीं होगा उसमें, उसके लिए बहुत ही नॉइज बहुत ही कम चाहिए, तो मतलब नॉइज का बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हम कैपेसिटर लगा देते हैं। और कैपेसिटर लगाकर, डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर लगाने से इसकी जो ओवरऑल इम्पेडेंस होती है नॉइज के प्रति, वो बहुत ESR ESL वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सभी कैपेसिटर पैरेलल में आने से ESR ESL भी पैरेलल में आ जाएंगे। और पैरेलल में जब रेजिस्टेंस आ जाता है तो वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है एक्विवेलेंट। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है। और जब हम डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर लगाते हैं एक ही बस लाइन पे, तो डिफरेंट टाइप के नॉइज को अच्छी तरह हैंडल करके बाईपास कर देती है। तो आपने देखा होगा कि एक ही लाइन पे डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो उसका रीजन यही होता है, उसकी इम्पीडेंस कम हो जाती है ओवरऑल कैपेसिटर की, और कैपेसिटेंस बढ़ जाती है और ESR ESL कम हो जाता है और रिपल करंट बढ़ जाती है। रिपल करंट ज्यादा होनी चाहिए इसकी कैपेसिटर की। तो अब हम बात करते हैं इसका कुछ जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि LDO DC to DC कन्वर्टर से क्यों डिफरेंट, क्या डिफरेंट है उसमें। तो जनरली दो तीन डिफरेंस डिफरेंस है जो मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट तो ये है कि एलडीओ में पावर कंजप्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पावर डिसिपेशन ज्यादा होता है। तो ये क्योंकि इसमें 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आउटपुट, तो ड्रॉप वोल्टेज कितना हुआ, 5 माइनस 3.3 वोल्ट, तो 1.7 वोल्ट इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इन दी आउटपुट। तो वो जो कैलकुलेशन करके जो हमारा जो आएगी पी बराबर वी इंटू आई, तो वो पावर डिसिपेशन आती है, तो वो ज्यादा इसमें होती है। क्योंकि अगर हम ये वोल्टेज कम कर दें, कुछ आजकल जो एलडीओ आ रहे हैं वो बहुत ही कम मार्जिन के वोल्टेज के भी आ रहे हैं, कि 0.2 वोल्ट ड्रॉप या 0.3 वोल्ट ड्रॉप के भी एलडीओ आ रहे हैं।
जैसे कि हमें 3.3 आउटपुट चाहिए, तो हम 3.6 या 3.7 इनपुट दे तब भी हमें 3.3 आउटपुट मिल सकती है, मिल जाती है, ऐसी ड्रॉप आउट वोल्टेज वो LDOs भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और वो कंपनी वाले बोलते हैं कि मैनेजर बोलते हैं कि मिनिमम कॉस्ट इफेक्टिव बनाओ प्रोडक्ट को, ये वो, तो ऐसा हो जाता है। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि इसकी जो इसमें नॉइज बहुत कम हो सकता है, बहुत कम होता है, जिसमें स्विचिंग नहीं होती तो इसमें नॉइज कम हो जाता है, इसका ये एडवांटेज है LDO का। लेकिन जो पावर डिसिपेशन का वो डिसएडवांटेज है इसका। और दूसरा, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, जैसे कि आप देख रहे हो कि 5 वोल्ट में से 3.3 वोल्ट और 1.7 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो रही है, और फिर पावर डिसिपेशन, तो इस वजह से इसकी जो एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और थर्ड पॉइंट जो इसका डिसएडवांटेज है, ये हमेशा स्टेप डाउन के लिए बनाई जाती है, स्टेप डाउन स्टेप अप नहीं हो सकता है इसमें, यानी कि इसकी हमेशा वोल्टेज जो आउटपुट से कमी रहती है, और ये हमेशा आउटपुट वोल्टेज कम के लिए ही होती है, इसमें ज्यादा नहीं हो सकती आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज। जबकि डीसी टू डीसी कन्वर्टर में आपको इनपुट से वोल्टेज ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, उसमें आप रख सकते हो। और बस इसका मेनली एडवांटेज जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे है वो इसकी, इसमें नॉइज बहुत कम होता है, और इतना ही कॉम्प्लेक्स इसका सर्किट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सर्किट डीसी टू डीसी कन्वर्टर का थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है और बड़ा भी होता है, उसमें ज्यादा कंपोनेंट यूज होते हैं, तो यही इसका एडवांटेज है। बाकी जो इसमें कुछ प्रोटेक्शन है, इंटरनल प्रोटेक्शन भी होते हैं, जैसे कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर आउटपुट वोल्टेज प्रोटेक्शन, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इनरश करंट प्रोटेक्शन, टेम्परेचर शटडाउन, शॉर्ट सर्किट शटडाउन, तो ये सब इसमें प्रोटेक्शन होते हैं। PSSR इसका मिनिमम होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको नॉइज को रिजेक्ट कर देना चाहिए। और भी क्यूसेंट करंट जो होती है, इसको जब वर्किंग में नहीं होती तो इसकी जो सप्लाई करंट वो मिनिमम होनी चाहिए। बाकी का इसका अगर ड्रॉप वोल्टेज मिनिमम हो तो वो भी एक एडवांटेज होता है। आजकल ऐसे आ रहे हैं कि आप यहाँ पर 0.2 वोल्ट के डिफरेंस से ही आउटपुट वोल्टेज ले सकते हो, केवल 0.2 वोल्ट इसमें ड्रॉप होगा। बाकी का इसमें जो और जो जो इसका फीचर्स है वो इतना डीसी कन्वर्टर को ज्यादा प्रिफेयर किया जाता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, उसमें टेम्परेचर कम होता है और पावर डिसिपेशन कम होता है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, कम कॉस्ट की पर बनाना चाहते हैं, तो जनरली जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है वो LDO में रिप्लेस कर दिए जाते हैं मोस्टली, क्योंकि LDO चीप होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर की चिप से। तो दोस्तों ये थी LDO की बारे में थोड़ी सी बातें, अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम कुछ और नए सर्किट के बारे में बताएंगे। और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, मैं आपको आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें बहुत ही जो सर्किट में सभी सर्किट में जो सर्किट जो चीप सर्किट यूज होते हैं वो मोस्टली मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने अच्छे अच्छे लोग देखे हैं जिनको इन सब बातों का ज्ञान नहीं होता, और उनको ज्ञान भी होता है लेकिन कुछ भूल जाते हैं, इसका रिपीटेशन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद।